तो यार अगर आज पबजी मोबाइल बैन ना हुआ होता इंडिया में, तो यार आज हम लोग को पबजी मोबाइल का न्यू एरा देखने को मिलता, जिसमें इरेंगल 2.0 मैप आने वाला था, प्लस इसके अंदर ऐसे फीचर्स आने वाले थे जो कि यार पबजी मोबाइल को बहुत ही बेहतर बना चुके थे और सब गेम्स के मुकाबले। तो आप जैसा कि जानते हो, हम लोग को इसमें इरेंगल 2.0 मैप देखने को मिलने वाला था, और जो लो एंड डिवाइस वाले फ़ोन है वो भी अब पबजी मोबाइल बहुत अच्छे FPS में खेल सकते थे, उनके फ़ोन में लैग ना होता। तो यार बहुत याद आती है, क्योंकि यार आज पबजी मोबाइल का ये न्यू अपडेट है वो रिलीज़ हो जाएगा। अब टाइम तो मुझे नहीं पता, लेकिन अपडेट आ जाएगा आज। और जो बाहर की कंट्री है जैसे कि इंडोनेशिया, पाकिस्तान, वो लोग आज अपडेट कर लेंगे अपना पबजी मोबाइल। तो यार मैं तो उनकी वीडियो देखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि न्यू एरा जो आया है उसमें कैसा होने वाला अपना इरेंगल 2.0 मैप, और क्या सच में 2 GB और 1 GB रैम वाले फ़ोन में पबजी मोबाइल कोई खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है। तो यार ये सब सोच के ही कितना एक्साइटेड फील होता है, लेकिन यार पबजी मोबाइल जब से इंडिया में यार बैन हो गया है, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि यार आप खुद ही सोचो, 2 साल से अगर कोई इंसान पबजी खेल रहा है और अचानक से वो गेम बैन हो जाता है, तो उस पर यार क्या बीतेगी यार। क्योंकि यार 2 साल से उस पर टाइम दिया है, कुछ तो सोच के ही उसने टाइम दिया होगा, तो उस पर क्या बीतेगी भाई, सोच के ही डर लगता है। क्योंकि यार ये सभी के साथ आजकल मुझे तो लग रहा है, बहुत जो पबजी लवर्स थे उन सभी के साथ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी। और एक और चीज़, आप बहुत सी वीडियोज़ देख रहे होंगे जिसमें बता रहे होंगे पबजी अनबैन होने वाला है, अनबैन होने वाला है। तो यार हाँ, पबजी मोबाइल अनबैन होगा, लेकिन यार कोई डेट नहीं पता चल रही है किसी को भी, और मुझे यहाँ तक ही लग रहा है कि 1 से 2 महीने तो कम से कम पबजी को अनबैन होने में लगेगा। तो आप ये मान लो पबजी मोबाइल यार 1-2 महीने तक ही तो नहीं आएगा इंडिया में, और उसके बाद आएगा तो उसका वो क्रेज़ नहीं होने वाला जो अभी हम लोग के अंदर है। और तब तक ही पता नहीं कौन से गेम पर हम लोग स्विच कर जाएं, या स्विच कर भी जाएंगे तो फिर हम लोग दोबारा से, अगर पबजी मोबाइल आ भी जाएगा तो कोई ज़्यादा खेलेगा नहीं। और इस समय पबजी का ये क्रेज़ है कि आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं मुझे। और एक और चीज़, मैं ये भी जानता हूँ कि अभी भी आपके मोबाइल फ़ोन में पबजी मोबाइल पड़ा होगा, हो सकता है बहुत लोग ने अनइंस्टॉल कर दिया होगा, लेकिन बहुत लोग के पास पबजी मोबाइल अभी भी पड़ा होगा और वो खेल रहे होंगे, क्योंकि अभी भी पबजी मोबाइल सभी लोग खेल रहे हैं। किसी किसी डिवाइस फ़ोन में नहीं वर्क कर रहा, और बहुत लोग के डिवाइस फ़ोन में वर्क कर रहा है, तो मेरे फ़ोन में भी वर्क कर रहा है, लेकिन अभी वो मन से ही नहीं आ रहा कि खेलूं, क्योंकि यार पता है कि अभी क्या पता अभी चल रहा है कल ना चले, तो इसीलिए यार पबजी मोबाइल नहीं खेल रहा हूँ मैं। और एक और चीज़, बहुत लोग के मोबाइल फ़ोन में पबजी मोबाइल पड़ा है, तो वो सोचे हैं 1.0 वाला जो अपडेट आने वाला है न्यू एरा, वो अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। तो यार मैं उनसे एक चीज़ बता दूँ, क्या पता आप इंस्टॉल कर लो और उसके बाद आपके में पबजी मोबाइल ना चले, तो आपको बहुत गंदा लगने वाला है। एक और चीज़, 1.0 वाला जो अपडेट आने वाला है पबजी मोबाइल का, उसके अंदर जो भी कुछ नया आया होगा वो मैं कमेंट्री टैब में आपको पोस्ट करके बता दूंगा, क्योंकि यार वीडियो मैं नहीं बना सकता, वीडियो बनाऊंगा तो इसके लिए मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, VPN लगाना पड़ेगा, तो इसलिए यार मैं अभी तो इस अपडेट को मैं डाउनलोड नहीं करने वाला, लेकिन जैसे ही ये अपडेट अपने प्ले स्टोर पर आ जाएगा, अपने प्ले स्टोर पर, तभी अब डाउनलोड करूंगा पबजी मोबाइल को। तो हाँ यार, इस वीडियो में इतना ही, तो मैं मिलता हूँ सिकोने कमाल की वीडियो में।